हेलो दोस्तों, 8 सितंबर की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है जो प्रदूषित हो रही है? तो ये गंगा नदी निकलती है। गंगोत्री हिमनद गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ये भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो कौन सी नदी निकलती है गंगोत्री से? गंगा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायन संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? तो ये है सामवेद। सामवेद में संगीत के बारे में उल्लेख है। इसे धुनों की पुस्तक भी कहा जाता है। वैसे ही ऋग्वेद देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक के बारे में, ये ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक के बारे में है। वैसे ही यजुर्वेद में श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा, यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र है। और अथर्ववेद में, इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्कापिंड से निर्मित झील कौन सी है? तो उल्कापिंड से निर्मित झील लोनार झील है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का टाइम पीरियड क्या था? तो ये था 1919 से 1922 तक। और ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन मिला है, वह 1919 और 1920 में कौन सी घटना घटी? तो ये असहयोग आंदोलन और रोलेक्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 112 में है। इसमें क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। इसका उपयोग क्या है, साबुन बनाने में, वॉशिंग पाउडर बनाने में, कांच बनाने में और जल की कठोरता दूर करने में। धावन सोडा से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन का पीएच मान अगर 2.4 है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो ऐसे विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी, मतलब प्रबल अम्लीय होगी। अम्लीय क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं। और क्षारीय क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका पीएच 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनवंतरी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूची 11 में कितने विषय है? तो अनुसूची 11 में 29 विषय है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर सारणी में किसका वर्णन नहीं किया गया है? तो इसमें किसका वर्णन नहीं किया गया है, समस्थानिक पर विचार नहीं किया गया है। और इसमें क्या वर्णन किया गया है, वह है मेंडलीव के आवर चार्ट ने तत्वों को उनके मूल गुण, परमाणु, द्रव्यमान और रासायनिक विशेषताओं के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 148। सीएजी की कार्य अवधि क्या है, ये 6 वर्ष या 65 साल तक है। वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो, ये सभी वे संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तो द्रविड़ भाषाएं है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु भाषा। ये सभी भाषाएँ द्रविड़ भाषाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मातृ शक्ति योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो ये 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है और इसका शुभारंभ कब हुआ था? 21 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 का T20 क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ? तो ये हुआ संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में। इसका विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। मैन ऑफ द सीरीज कौन है? डेविड वॉर्नर है। और सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? बाबर आजम ने 303। और सर्वाधिक विकेट किन्होंने लिया है? वो लिया है वानिंदू हंसरंगा ने, 16 विकेट लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2022 का किताब किसने जीता? तो ये जीता है गुजरात टाइटंस ने और इसके उप विजेता है राजस्थान रॉयल्स। और पर्पल केप सीजन का विजेता है यजुवेंद्र चहल, इन्होंने 27 विकेट लिए हैं। ऑरेंज केप विजेता है जोस बटलर, जिन्होंने 863 रन लिए। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फाइनल में कौन है? हार्दिक पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3OH का अगला सजातीय क्या होगा? तो इसका अगला सजातीय होगा C2H5OH, एथिल एल्कोहल। CH3OH का अगला सजातीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्टॉप सेंटर योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई स्मृति ईरानी के द्वारा। वन स्टॉप सेंटर योजना किसने शुरू किया? ये किया है स्मृति ईरानी ने। थैंक यू दोस्तों।